नाम नाम बहो गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरों तरा पर पुन पुन सीसदी पुन पुन सीस बंदों बार बार जगदीसा जिसमें अमृत ज्ञान है माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक अंगारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतह विघन विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतह विघन विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा रोदत सोकत हेर कर हुतुम साहिब पास गुलखा नाम पठान को बोलियो सुमत प्रकाश वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आप सब वडभागे हो जिथे अकाल पुरख अंतर जामी वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक साहेब सतगुरु श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारण के वास्ते अवतार धारिया उस महान पवित्र अस्थान तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब जी दे सचखंड दरबार दियाँ आप हाजरियाँ भर रहे हो कलगीधर महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो तखत साहब जी दे उपर लड़ीवार गुर इतिहास की विचार कथा चल रही है कल दे दीवाना विच आप सब ने सरवण किया दल भंजन बड़े योधे परोपकारी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह गुरु सर महाराज के पवित्र स्थल के विराजमान हैं लाला बेग आप चढ़ के आया वड्डी गिनती विच गुरसिख और आ पए हैं अखीर महाराज जी दे मर जी बड़े सिख भाई जेठा सिंह जी साहेब बिरद अवस्था चिट्टा दाड़ा तो आप ही जाके मुगलिस खान नूं वड्ढना चाहिया अगों ने वार किया तो भाई साहब जी ने उहदे उपर वार किया पर खेड ना बनी तो मुगलिस खान ने जदों भाई साहब जी दे शरीर उपर वार किया होर तुरकां ने मोढ़े ते वार किते एक ने आन के बरछी मारी अली बेग ने उन्हें सोचा शायद भाई साहब शहीद हो गए ने पर डिगद्या डिगद्या उन्हों भी सिट लिया कई वार झल के मैदाने जंग विच पुरजा पुरजा कट के आप जी शहीद होए जदों ये खूनी नज़ारा लाला बेग ने देखिया और कहा कि इस कौम के बुजुर्ग बुढ़े भी माण नहीं हैं चिट्टिया दाड़िया वाले तो कई वार होए तलवार के नाल मोढ़ा वट सुटिया बरछा मारिया तो पुरजा पुरजा कट के मरे ने नौजवानों का क्या क्या हाल होवेगा तो इस तरह वेख के बहुत हैरान होया कि ये तो किसी होर ही मिट्टी के बने हैं ये संसार के मनुख नहीं लगते कोई फरिश्ते ही हैं इधरों भाई जाति मलक जी साहेब जो ब्राह्मण पंडितां दे घराने विच जन्म जिन्हां ने लिया है गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की कला कि महाराज जी ने पंडितां ब्राह्मणां नूं मुगलां तुरकां दे नाल लड़ा छड़िया तो उस वेले आप जी घोड़े ते असवार हो के जिथे कासम बेग सी उन्हूं जा वंगारिया तीरां बंदूकां दी लड़ाई होई अखीर भाई साहब जी दे नाल उहदा जंग युद्ध होया इन्ने कासम बेग ने वार किया भाई साहब जी ने झल्लिया अखीर फिर भाई साहब जी ने वार किया पर वार करन तो पहलां दोनों के घोड़े आपस में भिड़ गए तो भाई साहब जी के घोड़े का एक पछंडा कासम बेग की लत ते जा के लग्या नतीजे वजों भी थोड़ा घबर गया उन्हें वार ते बरे किते सन
पर भाई साहब जी ने एको ही वार करके उहदा सिर ला सुटिया। सिर उहदा धरती ते डिग्गिया, धड़ उहदा घोड़े ते लटकिया रहा, पैर उहदा रकाब दे विच फस गया, जिस करके उहनूं घोड़ा घसीटदा होया पूरे मैदाने जंग दीआं परिक्रमां कराउंदा है। तो जदों उहने देखिया कि धड़ मगर लटकदा है, घोड़ा डर भी जांदा मगरले पास्यों, वह डरिया होया लत्त मारदा, असल विच मगरले पास्यों डरदा क्यों नहीं डरदा, तो वह डरिया होया घोड़ा होर भी इधर उधर उलझे तो भजे। तो जदों ये दौड़दा होया घोड़ा आण के लला बेग दे कोल ठहरिया, तो लला बेग ने अपने कोल खड़े होए खास अहलकार नूं कहा कि खानजादिया देख ते घोड़ा मेरे पुत दा है। उन्हें कहा हाँ सरदार जी जहानपनाह बिल्कुल तुहाडे पुत दा ही घोड़ा, क्या सिर कित्थे आ, क्या सिर ते वड सुटिया काफरां ने पाप सिखां ने, यह ताड़ी बचिया है। तो उन्हों भी घसीटदा होया घोड़ा लैके आ रहा, यह सारा कुछ देखिया लला बेग ने बहुत हैरान अते परेशान होया, दुखी होया। अखीर इन्हें आप मैदाने जंग विच सो मर्दां दी तरह जूझना चाहिया। जदों ये सारा कुछ इन्हें खूनी मंजर देखिया तो बहुत ज़्यादा इत्याद बाक कह कर रुदंत पछताए अधिक संकट परंत, निज मृत रिदे निश्चय सुकीन न जीअन आस पा आनंदहीन। इन्हें जाणिया मेरे भरा मर गए और भैण दे पुत भाणजे पुत्र मर गए ने, मेरे अपने पुत मर गए ने कासम बेग इत्यादिक, तो हुण मेरी जीण दी की आस होवेगी। इस तरह अज की यह कथा दे विच मैदाने जंग का अखीरला प्रसंग है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप मैदाने जंग में जौहर दिखाते हैं। हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहान के सैनापत उहदे कमांडर लला बेग दे नाल जो उस जमाने काबल का हाकम सी, 35,000 फौज लैके आया सी, खानदान वजो ये मंगोल सी, चंगेज खान की बाबर की हमायू अकबर ते जहांगीर की औलाद सी, शाहजहान के टब्बर टोर विचों सीगा। इहदे नाल जिवें सतगुरां दा युद्ध हो रहा, आओ जितने भी माई भाई बिरद बालक गरीब निवाज महाराज जी की पवित्र गोद में उस भाईमान होकर और देशां विदेशां प्रदेशां विच दूरदर्शन दूर सरवण के जरिए महाराज जी की कथा के नाल जुड़ रहे हो। भाई सतगुरां दी अमृत स्वरूप इतिहास की लड़ीवार विचार कथा के नाल जुड़ो, एकाग्रता बनाओ। श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरते हुए रसना पवित्र करो, प्यार दे नाल गज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, प्यार नाल फिर आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। दोहरा रोदत सोकत हेर कर हुतुम साहिब पास। इस प्रकार बहुत ज्यादा रोंदा है लला बेग, उहदे पास एक मुसाहिब सी वड्डे मरातबे वाला, उहदी सुहबत विच बैठण वाला, उहदे साथ विच बैठण वाला, उहदा विशेष एक साथी सीगा। की नाम है सानू भी दसो। बोलखा नाम पठान को बोलियो सुमत प्रकाश। जाति वजों पठान सी, नाउ उहदा गुल खान सी। उहने जदों देखिया कि साडा सरदार रो रहा, साडा हाकम रो रहा, तो उस वेले कहन लगा की कहिया। भुजंग छंद लला बेग सो कंगना की जा सुजाना। उस वेले कहा सरदार जी तुसी शोक ना करो, गमगीन ना होवो, समो जोग को जान लीजा महाना। और क्या कि ये जो समय है जंग दा समा है, ना के रोन धोन दा। फतेह है कर एको सो पावे। और क्या कि मैदाने जंग विच दो ही कम हुंदे ने, जा मौत जा फतह प्राप्त हुंदी है। नरे वीर सारे एही रीत पावे। एहो ही रीति है सूरबीर बहादुरां दा, एहो ही खानदानी काम है कि मैदाने जंग विच अड़ना लड़ना ते मर जाना, ना के रोना, ये साडा नहीं, ये कायरां दा काम है। तजै जंग जोधा बुरी बात होवे। क्या कि जे कोई मैदाने जंग विच जोधा अपना हठ हार जावे उहदे वास्ते बुरी गल है, अच्छी बात नहीं है। तू लोक को मोदे तारीफ खोवे। और वो मनुख दोनों लोगों का सुख खो लेंदा है, लोग उन्हूं सलाम नहीं करते हैं, ओदी तारीफ नहीं उल्टा तौहीन हुंदी है। बड़े आप दाना कह कौन ज्ञानो। और क्या कि आप जी ते बड़े स्याणे हो महाराज, मैं तुहानू की समझा सकदा, की तालीम दे सकदा। भली बात जे ते सबै बुद्ध जानो। और क्या कि जिन्नियां भी बुद्धिमान स्याणे बंदियां वालियां गल्लां ने जहां पना तुसी आप जानदे हो, मैं ते हौसले दे सकदा सी,
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਚੀ ਆਪ ਮੌਲਾ ਬਣੈ ਅਗਰ ਸੋਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜੋ ਰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਧ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿ ਸੀਸ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੂਰੈ ਸੋ ਕੋਈ ਔਰ ਉਸ ਮੌਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਹੋਤ ਰੋਏ ਮਿਟੈ ਨਾਹੀਂ ਕੈਸੇ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਿਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਗਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਰੋ ਅਗਰ ਹਵੈ ਚੜੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ ਸਰੋਪਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਸ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦਿਓ ਅਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੈ ਤੋਹੇ ਤਾਰੀਫ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਰਸੂ ਲਾਜ ਆਛੈ ਕਰੋ ਨਾਹੀ ਤਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਜ ਲੱਗੇ ਗੁਲਮ ਖਾਨ ਕੇ ਬੈਨ ਜਾਣੇ ਸੁਜਾਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲ ਖਾਨ ਦੇ ਬੈਨ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸੋਕ ਤਿਆਗਿਓ ਮਹਾਨੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਛੱਡਿਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਸ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਹਨ ਕਰਿਓ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹੰਗਰੀ ਦਾ ਤੀਰ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਫਾਨਾ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੱਕੜ ਪਾੜਨੀ ਚੀਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਮਰਾ ਛੱਡਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਲਲਾਂ ਬੇਗ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਚਾਹੇ ਪੀਰੋ ਜੰਗ ਪਾਰੇ ਖੁਦ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੱਝਣ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਪੈਜ ਫੈਜ ਖਾਂ ਪਾਸ ਦੀਨੀ ਦਲੇਰੀ ਇਸੇ ਪਾਸ ਫੈਜ ਖਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫੈਜ ਹਾਸਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਲੋ ਸੁਣੋ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਔਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਸੁਣ ਲਵੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਹਿ ਕਹਤੈ ਸਸਤਰ ਮਾਰੈ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਵੈਸਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸੋ ਆਪਾ ਦਿਖਾਰੈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਹਾਂ ਬਈ ਰਖੇ ਤੰਗ ਮਜਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਰੰਗ ਤੋ ਜਾਗੇ ਸਹਿ ਖਗ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹੀ ਬਾਤ ਆਛੀ ਲਲਾ ਬੇਗ ਮਾਨੀ ਔਰ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਜ਼ ਖਾਨ ਔਰ ਗੁਲ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਿਓ ਸਾਮੂਹ ਜੰਗ ਕਿਹੇ ਤੁਮਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਮੂਹੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਜੈ ਸੰਗ ਧੋਸਾ ਜੁਝਾਉ ਬਡੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਤੇ ਤੁੰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਲਰੈ ਬੇਰ ਤੋ ਚਾਵ ਠਾਨਾ ਕਨੇਰਾ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੁਝਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਕਾ ਹਕ ਬਾਜੀ ਲਖੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਹੱਕੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋ ਬਚੰਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਭਏ ਸਾਮੋਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੁਦਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਾ ਕੇ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਨ ਗਾਹੇ ਸਸਤਰ ਤੀਖੇ ਤੂੰ
फंगंग चलाए। आपो शस्त्र जड़े ने तिखे किते हन ते हत्थां विच पकड़े ने, कोई बंदूक चलाउंदा है। किनू चापली ने सोबानंग सदाने, किसे ने कठोर धनुष फड़े हन, सिखां दे निशाने ताके ते तीर चलाउंदे हन। धरे दीही ने जे के सागंग महाने, और कुछ ऐसे हन जो निशाने ताके सिखां नू शहीद करदे, कुछ बंदूकां चलाउंदे हन। करियो हेल मेलियो पटंग सोर पारो, इस प्रकार इन्हां तुरकां ते मंगोलां ने इकट्ठियां होके गुरसिखां दे उपर हमला कीता है। एक जत्था बना के, टोला बना के, नहीं जान दी जय कहो कै प्रहार। और कहिंदे ने हुण जान लवो कि असीं गुरसिखां नूं जिंदे नहीं छड्डांगे, प्रहार करांगे। गुरु सुर ठांडे पिखे सतरु आए, सतगुरु जी महाराज जी दे गुरसिख बड़े हौसले बड़े ठरमे दे विच हन, ते देखिया कि तुरकड़े जेड़े ने आप ओरड आ पए हन। नहीं भजते प्राण चाहे खपाए, गुरसिखां ने जाणिया कि ये भजणगे नहीं हुण, ये आर पार की लड़ाई लड़न आए ने, मरन आए हैं समझ लो। बड़ी चुंग पांदे मिले ने रकी ने, गुरसिख भी सत्संग जी अकाल दे नारे गजाउंदे होए जत्थे बना के एक दूजे दे मोढ़े नाल मोढ़ा जुड़ के अगों आण के मिले हन। तुफंगान गोरी तबे छोर दीने, सिखां ने आपो अपनियां बंदूकां विचों सतनाम श्री वाहिगुरु कह के बंदूकां चलाईयां हन। दहूं ओर ते भेड़ माचो दोहेला, कहिंदे इधरों तुरकड़े आ पए ने, उधरों सिख भी आ गए ने, दोनों दिशावां तों बड़ा भेड़ मचिया है। सटा सट सेले पई रेल पेला, परछे चलदे ने लोहे दे, लोहे ते लोहा खड़कदा आवाज आई, उत्थे रेल पेल होई पई है। चले तीर तिखे लगे अंग गाडे, तिखे तीर जड़े ने बहादुर सूरमियां दीआं छातियां विन के पार हो जांदे हन। छुटे स्रोण चाले महारोसी बाडे, इस तरह किसे दे शरीर विचों खून वहिंदा है, वहिण दे बावजूद भी हिरदे दा रोस नहीं मरदा है। चले आए सूदे मिले तुंड नेरे, सिख सीधे आके इन्हां दी हिक विच वजे ने, आपस विच मेल हो गया, इन्हां दा इकट्ठे हो गए। आपो आप मैं जंग माचंत हेरे, दोनों दे आपस विच जंग मचे हन, पिछले जड़े ने जंग नूं देखदे ने, अगले जूझदे हन। परी कूक परी सुनै दूर जोई, कहिंदे दूर तक ये जैली दे नारे मारदे ने, सिख अकाल अकाल दे जकारे गंजाउंदे हन, बड़ी बड़ी दूर तक पिंडां तक आवाजां सुनदियां हन। लगी छूट गोरी तजे प्राण कोई, और किधरे कोई बंदूक विचों गोली छड़दा है, ते देखदियां देखदियां छाती फोड़ देंदी है, खून दे तरनाले वजदे हन, प्राण छुट जांदे ने समेत सिखां ते तुरकां दे। महायुद्ध माच गुरु जी आनंदे, सतगुरु जी महाराज जी ने खूनी मंजर नेत्रां दे नाल तकिया, उच्ची अटारी ते बह के युद्ध मचिया गुरसिखां दा। लयों चाप गाडो तजै तीर ब्रिंदे, तीर रस विच आ गए ने, तिखे तिखे तीरां दे खुले गफे देना चाहुंदे ना तुरकड़िया नूं। कहो जोध सो जंग कीने बड़ेरे, गरीब निवाज महाराज जी ने तीर चलाए ने, लोथां ते लोथां चढ़ गईयां हन। नहीं अगर जावो पिखो बीर पेरे, महाराज जी ने राय जोध जी साहब ते होर गुरसिखां नूं आखिया, भाई तुसां ने बहुत अगे नहीं जाना है, रंग दी नीति विचारनी है। बड़ी रात के ब्रिंद बैरी लरंते, तुरकड़े जड़े ने बड़ी रात दे मैदाने जंग विच जूझदे हन, अज असीं इन्हां नूं थकाउणा है, इन्हां नूं अकल नहीं, इन्हां दे जीवन विच सहज नहीं, ठरमा नहीं है, ठरमा जिहड़ा है ओह सहज दे नाल आउंदा है, ठरमा नहीं है, इस करके थकाउना है, अगे नहीं वधना जे आपां। खपाए कने मार द्रोही दुरंते, इन्हां नूं खपा के फिर मारांगे असीं इह द्रोहियां नूं धोखेबाजां नूं। फुटै तीर गोरी बचावो शरीर, महाराज ने कहा भाई सामने तीर अते गोली छुटदी, अपना शरीर बचाओ, पहला अपनी सेफ्टी देखो। भयो अंत शत्रु न जीते सो तीरं, और महाराज जी ने कहा तुरकड़े रात दे समें दे जूझदे हन, इह अंध धुंद गोलियां ते तीर चलाउंदे ने, इन्हां पता नहीं लगता, गुस्से विच हल्फ गए हन। गुरु बैन मान्यो अमोरंग पछान्यो, राय जोध जी साहब भाई बिधि चंद जी साहब आदि गुरसिखां ने गुरु का वचन जाणिया है, ते मन्निया है कि महाराज जी दे वचन अमर ते अटल हन, जो वचन नहीं मनदा दुख पाउंदा, इस करके सुख प्राप्ति वास्ते अपने सतगुरु गरीब नवाज महाराज जी दे वचन नूं पालिया है। करियो पीम जुद्दंग दलंग पूर हान्यो, इस तरह गुरसिखां ने दूर हट के तीरां ते बंदूकां दा युद्ध कीता है, तुरकड़ियां नूं मौत दे घाट उतारिया है। कछु अंग मैं काब लागे दिखंते, गरीब नवाज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे अंगां ते कुछ घाव जख्म लगे हुए हन। श्रमंग होते पाखे ते घोरा परमंते, महाराज जी दा शरीर थकिया है, पिछली कथा विच सुनिया सी काबल बेग जिहड़ा सी।
शरीर थकिया होया बावजूद ये सतगुरु जी महाराज घोड़े ते टहलदे हन विदीचांदे चाहे भरो सतरु मद्दम सतगुरु जी महाराज जी दे गुरसिख मर्जी वड़े भगत बाबा विधी चंद जी साहब वो चाहते ने कि ना दुश्मना दे झुंड दे विच मैं छेर दी तरह छाल मार के वड़ जावां बंदो एक बारी करो जुद सुद्दं एक बार मैं इन्हां तुरकड़ियां दे विच वड़ जावां ते खचा खच इन्हां दीआं धौणा वड़ांगा मैं गुरु जी निवारियो उचारियो थेरी जय महाराज जी ने कहा बाबा विधी चंद जी साहब गुरु बख्शे तां उपर तुहानू माण है और मैनू तुहाडे ते वध माण है पर अजे वक्त नहीं है वक्त नू विचारना है अजाने असे असाने अजे जूझना नहीं अजे देखना है नजारा लगे कब अंग अंग सरमंग जान लीजा महाराज जी ने कहा तुहाडे शरीर ते जख्म लगे हन बाबा जी साहेब कुछ थकावट है और शरीर नू होर थोड़ा तंदुरुस्त करो चढ़दी कला विच करो फिर जूझांगे आपां अवे अंत को जुद देखो हमारा महाराज कहना ये चाहते ने बाबा विधी चंद जी साहेब तुसाने बड़ा जूझ लिया है अज साडी वारी है अज असी तुहानू अपने जोर दिखावांगे लला बेक के साथ खगंग प्रहारा उस वेले सतगुरु जी महाराज जी ने कहा अज हिंदुस्तान दा बादशाह शाह जहां जो है उहदा सेनापत काबल दा हाकम जो है लला बेग मंगोल खान विचों और चंगेज खान दा खून है उहदे नाल अज साडा युद्ध होवेगा गुरसुखो तुसी नेत्रां दे नाल तकियो अज तुहाडी नहीं अज साडी वारी है जिती साहो की सैन जोधा कहावै महाराज ने कहा जिहड़ी तुरकां दी फौज अपने आप नूं जोधे अते जुझारू कहाउंदी है मचै मार ऐसी नहीं सेक पावै रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दी बख्शिश दे नाल ऐसा कहर मचावांगे कि इन्हां विचों कोई खबर देने वाला भी नहीं बचेगा एक भी आदमी नहीं जिंदा बचेगा अज विधी जोत दोनों कहो ना मरहवै कै सरकार बाबा विधी चंद जी साहिब राय जोध जी साहब जी ने हाथ जोड़ के महाराज जी दे हुक्म दी फरमानी कीती है समन आपके कौन हवै अरै कै महाराज जी नूं मुस्कुरा के कहा सतगुरु कौन है ऐसा बली बहादुर जो गरीब निवाज महाराज आप जी दे नाल अड़ सके नहीं देव दैतानो मैं वीर कोई सतगुरु इस संसार विच सत युग तो लैके हुण तक बड़े बड़े देवते होए ने बड़े बड़े जुझारू लोग और दलिंतां विच होए ने जरा सिंध वर्गे राजा खड़क सिंह वर्गे हरनाक्ष वर्गे बहादुर बली गरीब निवाज महाराज दुरयोधन वर्गे होए हन पर सतगुरु सच्चे पातशाह की देवते की दैंत इस ब्रह्मांड की रची हुई रचना विच कोई ऐसा जुझारू नहीं जो आप जी दे नाल जूझ सके सतगुरु जी फिर भी आप जी की मौज है ते महाराज जूझ लयो अज कहां बापरे मनुख जून जोई महाराज ये मनुख बेचारे बपरे की हन इन्हां दे हाथ विच की है कि तुहाडा मुकाबला कर सकन तुहाडे सामने खलो सकन तो एक वारी त्रिलोकं बिना सो महाराज ये किते तुसी बचन करदे हो ते संसार नू तबाह बर्बाद करके रखदे हो एक बचन दे नाल बचन तां बड़ी दूर दी गल है बाणी च आउंदा हरन भरन जाका नेत्र फोर नेत्र फोर दे सानू अर्थ समझाए ने अथ अख फरकण दा समा अख चमकण दा नहीं अख चमकदिया समा लगता है टाइम लगता है तो जदों साडी अख फरकदी होवे ना खब्बी जां सज्जी असीं वहम करदे आ उस अख फरकण दे समे नू फोर कहिंदे नेत्र फोर हरन भरन जाका नेत्र फोर अख फरकण दे समे विच संसार नू नेस्तो नाबूद और संसार नू पैदा करन दी समर्था रख दियो महाराज रचो फिर तैसे कहे मुड स्वासो गरीब निवाज महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह सो जिवें आप जी चाहुंदे हो सतगुरु गरीब निवाज महाराज तिवें आप जी रच लवो जो आप जी दी मौज है के तो बोलते आप माही कृपाला सतगुरु जी महाराज राय जोध जी साहिब ते बहादुर बाबा विधी चंद जी साहिब उन्हां दे नाल बचन बिलास करदे सन किते वीर आए महाजोर काला गल्लां बातां ही चलदियां सन कि उधरों मंगोल और तुरकां दी फौज चढ़ के आ गई हल्ला बोलिया उन्हां ने जय अली दे नारे मार के तुफंगन तीरन ने जान संगा उस वेले तुफंग दे नाल की तीरां दे नाल की निजयां दे नाल महाकोप तारे करे कब अंगा बड़े कोप क्रोध दे नाल गुरसिखां दे उपर आ पए हन ओरड गिरे वीर मारे हला हल होई इस प्रकार बड़े बड़े बहादुर उन्हां ने गुरसिखां दे जो हन उह सदा दी नींद सवां दित्ते ने इह इतिहास है ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰਿਓ ਹੇਲ ਕਾਲਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜਾਨ ਲੀ ਨੀ ਤਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰਨਾ ਮੰਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ
ते इन्ना विचों कोई जिंदा वापस नहीं जाना चाहता है। लियो चाप गाड़ो त्रिखेती रो मारे। सतगुरु जी महाराज जी ने गुरु नानक साहब गुरु रामदास गुरु अर्जन देव पिता गुरदेव का नाम लैके धनुष संभालिया है। तिखे तिखे तीरां दे नाल इन्हां नूं कफा देना चाहुंदे हन। विदे प्रिंद बैरी परे जाए भूमे। कहिंदे महाराज जी दे इक तीर ने बहुत सारे वैरी विन दिते हन। ते जिवें साध संगत जी कलेजे विन के ओ तीर जिहड़ा है धरती ते जा पैंदा है। इको दोए तीजो हते कोई झूमै। इक तीर इक दी छाती विन के दूसरे की छाती विन के ते तीसरे की छाती विन के धरती च खुब जांदा। दुहाई राम की वो धरती विचों अज तक नहीं लभ्या के गया किथे है। भए टोल आगे रिपु साम हाप आए। लला बेग ने देखिया कि अज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज सिखा दे सैनापत सिखा दे रहबर सिखा दे नायक सिखा दे रहनुमा आप जूझण वास्ते आ गए हन। चहूं जित जो भई बात सोई। उस वेले कहिंदा ऐ खुदाया ऐ मौला ताला जो मैं तमन्ना करी सी वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई। एक तुरद्या होया मन में तमन्ना करता सी कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे वाके गद्दी नशीन हो दिल जानी हो अल्लाह की मौला की जात हो आप ते तुसी आप जुझण वास्ते आ जो मेरे मन की इच्छा है कि बगाने पोतना मराइए अज आप ही हथों हथी वेख लईए। तो गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का दीदार किया। सब तो वक्री ते निराली शान गरीब नवाज महाराज जी का काला दाड़ा विच चिट्टा चेहरा इदा लगे जिमें काले आसमान में चुट्टा चंद्रमा होवे। मर्तबान के फुलां वर्गे मुस्कराते हुए दंद तिखे नैन खीवा मस्तक और सोहनी कलगी जिगा चंद तोड़ा गरीब नवाज महाराज जी के सीस उपर चक्कर सोहनी शोभा विच शोभ दे हां मेरे लालन की शोभा सद नवतन मन रंगी शोभा। वेख के इनू अखी कपड़ी अग लगी महाराज जी की शोभा देख के फिर भी कहन लगा कि जो मैं चाहुंदा सी ओ होया है। मैं चाहुंदा सी गुरु आप आउंदा। वाकई गुरु दिल जानी गुरु अंतर जामी है गुरु अल्लाह मौला ताला दी जात है ते वाकई गुरु आप आ गया इनू चा चढ़ गया है। अबे जंग मेरो गुरु संग होई। अज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे नाल मेरा जंग होवेगा। भयो टोल आगे गुरु ज्यों ने हारे। इस वेले ने देखिया कि सतगुरु जी महाराज आप आए ने अपनी सेना नू पिछे करके खुद अगे वधिया है। तके तीर तिखे तनु ऐच मारे। तक तक के तिखे तिखे तीर इन्ने चलाए हन। अंग बिदो लगे घब जाई। ए लगे हुए तीर गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के घोड़े दे जा वजे हन। छुट्यो श्रोण बृंदंग सो धारा चलाई। लगे हुए तीर दे नाल महाराज जी के घोड़े दे शरीर विचो खून दियां धारा वह तुरियां हन। सोहेला पिख्यो घब लागे कनेरे। महाराज जी ने जाणिया कि सोहेला घोड़ा जिहड़ा महाराज जी का बहुत ही प्यार वाला सी देखिया के बहुत ज्यादा जख्म लगे हन। रिदेरो से जाग्यो गुरु के बड़े रे। घोड़े नू महाराज जी ने कदी लगाम नहीं सी सुहाई। घोड़े लगे हुए जख्म देख के महाराज भी रस विच आ गए हन। जिनो अगर चोरे कथंग निकासे। सतगुरु जी महाराज जी ने अपने पत्थे विचों खतंग तिखा जेड़ा तीर है कढ़िया है। दंडंग संधाने बिखी से प्रकाशे। महाराज जी ने उस तिखे तीर नू कमान दी तंदी उपर रखिया है ते ओ तीर ऐदा लगदा सी जिवें तीर ना होके कोई फनियर नाग होवे। करियो जोर को रंग लग्यो कान हाथ। उस वेले गरीब नवाज महाराज जी ने अपना खब्बा हाथ ऐन अकड़ा के सीधा कर लिया है ते सज्जे हाथ दे नाल तीर दी तंदी नू कवि जी कहिंदे ने कन्न तक लग्यो कान हाथंग। खब्बा हाथ सीधा है ते सज्जे कन तक अपने सज्जे हाथ नू छुहाया है। लला बेग सोहे तजो बेग साथ। पहले महाराज ने बड़ी बेग बड़ी काली दे नाल लला बेग दे घोड़े दा निशाना लेके तीर छड़िया है। चलियो क्रोध ते सूक बाण महाना। कवि जी कहिंदे पीर रस दे नाल चलिया होया तीर सूकदा गया है। उड्यो पंख धारे फणी के समाना। कवि जी कहिंदे उहनू तीर ना समझो ओ समझ लो कोई शेष नाग होवे और फनी के समाना वह फनियर नाग होवे। आप जी नूं पता होवे कि ना नाग उड़दे भी हन शायद कदी किसी ने वेखे होण। वह उड़दा होया नाग दी तरह गया है। लग्यो भाल मैं तत्कालं प्रवेश। उस वेले वह चलिया होया तीर लला बेग दे अरब दे बने हुए तुरकान देश दे बने हुए घोड़े दे मत्थे दे जा लग्या है। लला बेग कोरा बली जो विशेष। लला बेग का घोड़ा बड़ा बलशाली सीगा
कनो दिन सुमोलंग चलाकंग बड़ेरा। कहते बड़ा चलाक सी, बड़ी उच्च जाति चंगी नसल का घोड़ा सी, बड़ा वड्डा भारी मुल दे के सवा लख रुपया दे के ओ कोड़ा उस जमाने विच उन्ने खरीदिया सी। बिचारी निका से उपर उपर फेरा, मथे विच मारिया तीर ते पिठ दे पिछों निकलिया है। ओहो गड़ जाओ भूमै सोलो हंग सुरंगा। कबीर जी कहिंदे ओ तिखा तीर जो खून दे नाल सुहागन होया होया सी, सुरख होया होया सी, ओ घोड़े दे निकल के शरीर दे अंगां दे विचों ते धरती विच खुबिया। गिरियो सिगर घोड़ा सजै जीन चंगा। कवि जी कहिंदे घोड़ा धरती दे डिग पिया है, जिहदे शरीर दे उपर जीन काठी है, सोने दी बनी ते हीरियां दी जड़तकारी है। लला बेग ने बेग ते त्याग दीना। लला बेग बड़ा सियाणा सी, सतगुरु जी महाराज जी दे घोड़े नूं तीर मारिया फल ते मिलना ही सी, उहदा फल मिल गया ते लला बेग एकदम छलांग मार के बड़ी जल्दी नाल घोड़े तो उतरिया, मरदे हुए घोड़े तो अपने आप नूं संभालिया, पग डिग चली सी उहदी। महाक्रोध तीर त्यागे प्रवीना। उस वेले बड़े क्रोध विच आ के महाराज जी दा निशाना तक इन्हें तीर चलाए हन बदला लैण वास्ते। सुहेला अमोला तके ताहे मारे। उस वेले अमोल घोड़ा जिहदा मुल कोई नहीं है, वो अमोल घोड़े नूं तक के निशाने चलाए हन। दियो भी दे आगे सीता भी प्रहारे। उस घोड़े दा अग्गा शरीर दा हिस्सा बिन सुटिया है इन्हें तीरां दे नाल। रिदे भाल मैं तीर लागे कने। बहादुर सी सात संगत जी, खान ज्यादा सी, इहदे लगे हुए तीर सतगुरु जी महाराज जी दे घोड़े दे मत्थे ते जा लगे हन। गिरयो जंग खेतं हत्यो ताहे बेरे। महाराज गुरु दसवें पातशाह ने सिख नूं सिखाया कि तारीफ जे दुश्मन दी होवे ते ओह वी कर देनी, ते औगण अपने दा वी होवे ते मूँह ते कह देना भाई तेरे च कमी आ। गुरु दसवें पातशाह महाराज ने श्री दसम महाराज जी की बाणी विच अपने दुश्मन हरी चंद की तारीफ की है कि हरी चंद मारे सो जोधा लिताड़े, कि हरी चंद ने मेरे जोधे लताड़ के रख दिते। अखे खुद लिखिया जी, फिर सो कारोरड़ायंग वह काल कायंग। कहिंदे हरी चंद कोई मुफलिस, कोई गरीब, कोई मजदूर नहीं सी, करोड़पति सी। कहिंदे बड़ा उन्हें मेरे सिखां नूं शहीद किया, पर मेरे तीरां दी ताब ना चल सके, अखीर नूं वह मर गया। भई जीत मेरी कृपा काल केरी। औरंगजेब दीआं तरीफां कदे पढ़नियां होण व्यंग दे तरीके नाल, ते गुरु दसवें पातशाह महाराज जी दी बाणी जफरनामा जरूर पढ़ो। महाराज जी ने तारीफ दुश्मन की भी की है, तो इस प्रकार महाराज जी के घोड़े के निशाने बदे, तो गरीब नवाज महाराज जी ने दा घोड़ा मारिया, तो ये तीरों के नाल सतगुरु जी महाराज जी का घोड़ा भी शहीद होया। सच तो सच है भाई, बड़े पग जाके गुरु अंग संगे। घोड़े के वड्डे पग ने महाराज जी के अंगा के नाल छूंदा है, साढ़े तो बहुत चंगा है वह। मिले सो रहे प्राण त्यागे तुरंगे। इस प्रकार मिलिया रहा ते घोड़े ने अपने प्राण त्यागे हन। गयो देव लोकं तजे सुख मोह। बाणी च बजन आउंदी हर के भजन कौन कौन ना तारे, खग तन मृग तन मीन तन ब्रह तन सागर उतरे पारे, पशु परेत मुगद को उतारे पहन पारे उतारे। गुरु सारी मनुखता दा ही नहीं बल्कि ब्रह्मंडी यूनिवर्सल गुरु है सतगुरु जी महाराज। इस घोड़े पशु दा भी उधार होया। नहीं फेर फेरी जंगंग बीच हो हम। इस प्रकार वो मुक्त हो गया, उन्हों संसार ते आना जाना ना पिया भाई। बिधि चंद सीगर कहो होए नेरे। बिधि चंद जी साहब जी नेड़े होए ने ते जाके कहन लगे हन, चढ़ो और घोड़े प्रभु आहे बेरे। महाराज हुण आप जी होर किसे घोड़े ते सवार हो जाओ, ये घोड़ा तां शहीद हो गया। गुरु धर्म जुद्दंग विचार उचारे। महाराज ने धर्म युद्ध विचारिया, ये बड़ा वचन सुनने वाला जी, अगे जाके खुलेगा वचन। फरो अगर बैरी हयंगता है मारे। महाराज जी ने कहा ना भाई बिधि चंद जी साहेब, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि साडा दुश्मन घोड़े ते नहीं है, वह पैदल है, ते असी घोड़े ते चढ़ांगे, वह धर्म युद्ध नहीं होगा। सिख ने युद्ध तो किए हैं, पर युद्ध विच धर्म सी, धर्म की रीति सी। जिस तरह दुश्मन सी, जे दुश्मन निहत्था हो गया तो खुद भी निहत्थे हो के लफेड़िया का भी युद्ध किया गुरसिखा ने, मुक्कियां दा भी युद्ध किया। बाबा बिधि चंद जी साहब ते पैंदे खान चपेड़ मार के ते तुरकड़ा मार देंदे सन, नासां ते मारदे नसीड फुट जांदी, बेहोश हो जांदा सी। ऐसे ऐसे भी बहादुर सतगुरु जी महाराज जी दे पास सन। तो इसे प्रकार सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज महाराज जी ने मरदा गंबड़े सिख जिहड़े हन वह मैदाने जंग विच जूझदे हन, ते बाबा बिधि चंद जी साहब जी नूं महाराज जी ने कहा, बाबा जी साहेब साडा दुश्मन जो है वह घोड़े ते नहीं पैदल है,
इस करके असि भी इस तरह पैदल ही जूझांगे। नहीं और लीनो पृथ्वी बीच ठंड, और क्या कि वह पृथ्वी ते खड़िया होया, भूमि ते खड़िया होया, असि भी भूमि ते खड़े होवांगे। है समुखं जंग को चाब बट, इस करके सतगुरु जी महाराज जी ने दुश्मन नु सामने देखा ते चा बद गया गरीब नवाज महाराज जी का। तथा जान मोही अरुडे ना कोरे, साडा दुश्मन खड़िया असि उस तरह खड़ांगे, घोड़े ते नहीं सवार होवांगे भाई। अबे जंग खंगं करे फिर कोरे, क्या कि हुण खक दा पाव तलवार दा जंग जद होवेगा देखना है नजारा। कहो बाक ऐस पए फिर सोहे, इस तरह महाराज जी ने वचन कहे ते महाराज उस वेले बड़े शोभ दे हन खड़े होए। करा चोल ऐचो करी बंक पे, महाराज जी ने पीरी दी नहीं मीरी दी तलवार कढ़ी है, खब्बे पास्यों सज्जे पास्यों नहीं, खब्बे पास्यों मीरी दी तलवार कढ़ी है। ते महाराज जी ने अख कैडी करके देखे है। लला बेग के अगर आयो पठाना, उस वेले महाराज जी ने जदों तलवार कढ़ी ते लला बेग दे सामने एक पठान आ गया। वह बड़ी उन्हूं मुहब्बत करदा सी, वह मरना चाहता सी इहदी जगह ते। महाकोप ते संगतां के बखाना, लला बेग दी बहादरी देखो, गुरु दे दुश्मन दी बहादरी। उन्हें पठान नूं कहा कि भाई तू साइड ते हो जा, ते बड़े क्रोध दे नाल आख्या है। गुरु और मोरे ना बीचंग परी जाए, वड्डे तो वड्डे बहादुर ने मेरी सेना विच, पर अज सतगुरु जी महाराज जी दे सामने कोई तीसरा बंदा नहीं आवेगा। अज मैदाने जंग दी जित दा फैसला मैं ते सतगुरु जी महाराज करांगे। तरो आन थान मरी जे के जी जाए, ने पठान नूं कहा जे मरन दा चाओ है ते किसे, इन्हें मुगल खान ने आख्या, सेनापत ने लला बेग ने आख्या, क्या जे मरण की इच्छा है ते किसी होर जगह ते मरी मेरे सामने होके ना मर पाई। इनू संग जंगन करो आप अच्छा, मेरे मन की तमन्ना मैं सतगुरु जी महाराज जी दे नाल आप जूझा, ये ते होई ना बहादरी भाई। मरो के संघारो नहीं आन बाचा, जा मरांगा जा मार देंगा, होर कोई गल नहीं होवेगी। अज किदो साहो के बाज लैके चलेंगे, बादशाह दे घोड़े लैके मैं जिंदा वापस जावांगा। किदो प्राण दे संग धूली मिलें, प्राण दे के मैं मिट्टी विच मिल जावांगा, इत्थे कब्र बनेगी मेरी। हरो दूर हवे कै तमासो पखी जाए, और क्या के खड़ा हो जा भाई दूर हो के ते तमाशा देख मेरा। किदो ओरे जो दान सो जुद्ध की जाए, जूझण दी तमन्ना ते मैं रोकदा नहीं, किसे होर जूदे जोदे नाल जूझ लई, पर सतगुरु जी महाराज जी दे नाल मैं जूझांगा। तिसीरी ते सारे गुरु जी हटाए, महाराज जी ने अपने सिख बहादुर बाबा बिधि चंद जी साहब, राय जोध जी साहब, मलक जाती जी साहब, अनंत गुरु के गुरसिख मर जीवड़े सन, महाराज जी ने सारे नु रोक दिता है। मचो दुद्ध युद्ध किरपाण चलाए, प्रकार दोनों का आपस में युद्ध मचिया, तलवारा चलाउंदे हन। कबे नेर ढूके कबे दूर होवे, कदे नेड़े हो जांदे ने छलांग मार के सतगुरु और लला बेग, ते कदे छलांग मार के पिछे हो जांदे हन। दहूं वीर बांके हते घात जोवे, दोनों ही बड़ी बहादुर ने, कमी किसे विच नहीं, और मैदाने जंग में जूझना जानते हैं। दहूं कीर्ति चाहे चौपे जुझारे, दोने कीर्ति चाहते ने, वड्याई चाहते ने, और बड़ा उत्साह है, जुझारे हैं दोवें। दहूं सैन के सूर स्वामी उदारे, दोने सेनापत हैं। इधरों सतगुरु जी महाराज नीले दे शाह सवार, उधरों लला बेग का काबल दा हकम है। विजय बाच दऊ रसंग वीर पीने, दोनों दे मन विच इच्छा है कि असीं जित लईए मैदाने जंग नूं, ते दोने वीर अस विच पिजे हुए ने, बरोबर ताई है। दोहूं शस्त्र विद्या कमाई प्रवीने, दोनों ने शस्त्र विद्या कमाई हुई है, गतके दे दोने माहर हन, कोई घट नहीं है। दोऊ युद्ध जैता कने जंग कीने, दोने युद्ध जैता हन, लला बेग ने ते कई जंग जीते हैं, सतगुरु जी महाराज जी ने दो पहला जीते हैं। हयंग ही न दोनों रणंग धर्म चीने, गरीब निवाज महाराज और लला बेग मैदाने जंग दे धर्म युद्ध नु वेख के घोड़े तो सखने पैदल हैं। दो दूब दाव तक है, अरे आप माही, दोवें दाव तकते ने, एक दूजे का सिर लाना चाहते ने, आपस में अड़ पैंदे हैं। मनो शेर दोनों मिटे पाए नहीं, मान लो दोने शेर हैं ते आपस में भिड़ रहे ने, पिछे नहीं हटते हैं। रुपे वीर दोनों गजंगराज भारे, दोने आपस में इस तरह रुक गए ने, समझ लो दो हाथी भिड़ रहे होना। बड़े दंत धारी महा छोब वारे, हाथी भी ओ जो बड़े दंत धारी हन ते बड़ी शोभा वाले हन। दोहूं ढाल ढोई टका ढूक कीनी, दोनों ने आपस विच ढालां पकड़ियां ने, एक दूजे नूं अगे पिछे धकेलदे हन। दोहूं खग धारी मती कोप पीनी, दोनों दे हथां विच नंगियां तलवारां हन,
ते बी रस वेचन गुड़च हन शरीर दी होश कोई नहीं है। लला बेग तायो करा चोल मारा, लला बेग ने सब तो पहला महाराज उपर तलवार दा वार कीता है। गुरु ढाल पहली ना ओ जंग संभारा, सतगुरु जी महाराज जी ने उदी तलवार दे वार नू गेंडे दी चमड़ी दी ढाल उपर बड़े जोर दे नाल चलिया है। कहो वार ओ रंग करो घात पैके, सत्य पातशाह गरीब नवाज जी दी बहादुरी। महाराज कहते लला बेग गल एक ना नहीं बननी, एक होर कर ला भाई। पिछारी बिसूरे गिरी मृत्यु हवे कै, बिसूर दा रहेगा तेरे खानदान तेरे बिरादरी वाले लोग भी देखते रहनगे भी जे गुरु एक मौका दे दिंदा ते शायद गल बन जाती। तू झूरी ना तू पछताई ना, होर अपनी तमन्ना पूरी कर। दलेरी गुरु की महानी पछानी, सतगुरु जी महाराज जी की बड़ी महान दलेरी इस लला बेग ने पछाणी ते दंग रह गया के वाकई फकर फकर ही हुंदे ने। फकर की जानन मैदाने जंग दियां सियासतां, करें वार ते वार खग पानी। ओ चंबल गया एक नहीं उन्हें वार ते वार कीते हन। सतगुरु जी महाराज मुस्कुरा के वार नू चलदे रहे हन। उनंग सिगर सातंग करियो नेर आयो, पहले बड़ी छेती दे नाल नेड़ा कीता है, महाराज जी दे नेड़े आ गया है। चाहो मार बे हाथ ऊंचो उठायो, इने तलवार दे नाल सतगुरु जी महाराज नू मारना चाहया, हाथ उच्चा कीता तलवार उठाउण वास्ते। करी ढाल सो है निरभय होए आके, सतगुरु जी बिलकुल निरभय हो गए हन, डरे नहीं, ढाल लैके बिलकुल अगे आ खलोते हन। गुरु जी चल आयो हृदय कोप जाके, रस बेचे आ गए ने ते महाराज उपर वार करना चाहिया, महाराज जी ने दे वार चल के आप वर कीता है। लला बेग ने आप ना ही प्रहारियो, लला बेग ने फिर हुन वार नहीं कीता, हुन आखरे दे अंदर ते शर्म सी, खान ज्यादा सी, ये पठान सी, बहादुर सी, जुझारू सी, इन्हें महाराज जी दे वार करना जान के आप वार नहीं कीता, उल्टा बचना चाहिया है। गुरु वार ते अंग सारो उबारियो, महाराज जी दे वार तो अपने अंग बचाए, किवें बचाए ने वो गल सुनने वाली है। करी छाल सिगर इत उत होयो, छाल मार के ते पिछे हो गया, वार नहीं बचाया ढाल जां तलवार दे नाल, जां खब्बे सज्जे हो के जां उपर नीचे हो के, उल्टा पिछे होया है। पहुंचे गुरु जी गयो दूर जोयो, महाराज आज नेड़े पहुंचे ने छाल मार के ते एक कायर पीछे हो गया है। महाराज जी ने क्या हो गिदड़ा पीछे क्यों हटदा, हां हुण किथे भज लवेगा भाई। दीजे वार मेरो कहां लो बचावे, मेरा वार दे, तैं वार करे मैं तैनु मौका दिता, तैं कई वार कीते मैं अपनी ढाल उपर चले हन, हुण मैनू भी वार दे, बहादुरी दिखा भाई। सुने बैन कपियो लला बेग बीरंग, बचन सुने ते लला बेग ओ मर्द नू ताना ते लकड़ नू फाना हिक पाड़ दिंदा ना, ते इस प्रकार ओ बड़े बी रस विच आ गया है। तेरे बेर ऐसे हृदय धार धीरंग, उस वेले हृदय विच तो धीरज धार रहा है, शायद बकरे ने मन लिया होवे कि तिखी तलवार दे हेठ धौण देनी पैनी है। भयो साम हो ज्यों बिखी होए पारो, कवि जी कहिंदे सामने हो गया है, इवें कि जिवें मान लो बिखी बिख नू धारन वाला भाव जहर जहरीला सप होवे। दबे पूछ ते काट वे को पधारो, कवि जी कहिंदे जिवें सप दी पूछ ते किसी ने पैर धर दिता होवे ते उछल के आंदा ना, इस तरह उछल के महाराज जी दे पास आया है। प्रहार कृपा ने कई बार कीने, उस तो बाद भी ने कई बार महाराज उपर तलवार दे कीते हन। तथा सिगर धारे गुरु ओट लीने, महाराज जी ने ओट लेके ढाल दी, एदे वार फिर बड़े ठरमे नाल रोके हन। धरी हाथ बामे बड़ी ढाल भारी, महाराज जी दे बाम खब्बे हाथ विच बड़ी सारी ढाल सीगे, उती हाथ माहे कृपा नंग संभारी, दूसरे हाथ विच मीरी दी तलवार सी मेरे शहनशाह दे हाथ विच। धरे वार तक के प्रहार है समाना, महाराज जी ने इको ही वार करना, खालसा जी तक लेना नेत्रां दे नाल, महाराज जी ने वार करना है इनू चकानी दे के, जो कि मैदाने जंग दा एक रूल है, एक निजम है। महाराज जी ने तकिया है थले कि जिवें इहदे पैरां ते वार करना होवे। करी ओट ताहूं लला बेग जाना, लला बेग मैदाने जंग तो महाराज जी दे सामने बिलकुल अनजाण है, इनू लला बेग ना कह के लेला बेग कह लो, सतगुरु जी महाराज शेर दे सामने लेला ही है, होर कुछ भी नहीं। तो इन्हें अपनी ढाल जेड़ी है थले कीती है वार रोकण दे वास्ते। तरे दाब को मैं बचावो चाहंता, उस वेले ने जाणिया कि शायद सतगुरु जी महाराज थले दा वार करनगे, मैं अपना आपा बचा लवां। धरी ढाल आगे सो पैर रंग रूपंता, उस वेले अपनी ढाल अगे कीती है ते पैर रोक ले हन, थम ले हन। और सिगर ते हाथ ऊंचे उभारा, महाराज जी ने बड़ी काली दे नाल अपना हाथ उच्चे नू कर दिता है। करा चोल बाहो लगी जाए तारा, तिखी तलवार
अमीरी की तलवार महाराज जी ने दे जाके धौन दे उपर वही है खून की धारा वह तुरी है। वही कंठ में पर पीरित ऐसे चली हुई तलवार ए जी धौन नू विंद के इवें पार हो गई है। करे कट साबुन को धार जैसे कवि जी कहंदे ने जिवें मान लो किसी ने तिखी ती धार दे नाल साबुन नू विंद सुटिया होवे इस तरह महाराज जी ने सिर वड सुटिया है। गिरयो सीत सिग रंग रहै रण बायो इस प्रकार ये धरती ते डिग पिया है। इहदे अखां जिहड़े नेत्र जिहड़े ने अड्डे रह गए हन। मनो श्री फलंग बायो सो सख कवि जी कहिंदे मन लो कोई श्री फल नारियल दा उच्चा पेड़ होवे ते धरती ते डिग पैंदा ना किसे बाढ़ी दे कट्टण दे नाल इवें धरती ते डिग पिया है। बिना मुंड ते तरुंड भूमै परयो है कहिंदे इहदा जिहड़ा धड़ है धरती ते सिर तों बिना डिग पिया है। तरु मूल अच्छी नंग डिगया हो कटिया इस तरह धरती ते धड़ाक दिने डिगया है। दोहरा रहे बचावत तरे को ऊपर पयो प्रहार जंग दे अखीर अखीरले प्रसंग नू समाप्त करदिया होया भाव जंग की कथा समाप्त करदिया होया महाकवि कविया दे सरताज कवि चुड़ामन कवि संत कवि दरगाही कवि कविराज भाई संतोख सिंह साहब जी कहिंदे ने रहो बचावत तरे को उपर पयो प्रहार ये थले वार करदा रहा पर सतगुरु जी महाराज जी ने उपर वार करके नू मार सटिया है। प्राण त्याग गमनियो पिसत सतगुरु अगर निहार इस तरह प्राण त्याग के ते भिष्टा नू गया है। क्यों? क्योंकि सतगुरु अगर निहार महाराज दे सामने सन। ये मैदाने जंग की कथा पिछले कई अरसे तो चल रही सी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का ज्योति जोत समावन का गुरपुरब नेड़े जाण के मैदाने जंग की कथा विश्राम से आई सी। अज महाराज की कृपा दे नाल मैदाने जंग की कथा पूर्ण संपूर्ण होई है। गरीब नवाज महाराज की बख्शिश दे नाल 49 पौड़ियां का अध्याय लगता सी पूरा नहीं होवेगा पर समय तो पहला पूरा होया। सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज महाराज बख्शिश करन नियामतां रहमतां दे नाल सानू नवाजन। सतगुरु गरीब नवाज महाराज कृपा करन गुरसिखां दे अंदर मैदाने जंग की कला शस्त्रधारी होण की कला और कई वारी जूझ के सानू फतेह मिलती है कई वारी सियासत दे नाल ते कई वारी विद्या दे नाल फतेह मिलती है। हर प्रकार की फतेह की प्राप्ति लई असीं जतनशील होइए गुरु का आसरा लईए। समा अपनी मंजिल ते है पर करन भी अपनी मंजिल ते है। गुरु दसवें पातशाह महाराज जी के घरों दरों साजे निवाजे सवारे शिंगारे गुरमुख सन्मानयोग सरदार अवतार सिंह जी हित गरीब नवाज महाराज जी के घर दर के मुख सेवादार आप संगत के दीदार करनी क्योंकि वह बहुत बड़े विद्वान ने और बकायदा वह विद्वाना के कदरदान हैं। सात संगत जी जिथे सच्चाई होवे उथे झूठे बंदे की अद्धी ताकत सच्चे बंदे दे कोल आ जाती है। ये 35,000 ते हन ये मंगोल चंगेज़ खान की औलाद बाबर की औलाद हमायू अकबर जहांगीर की औलाद पर सतगुरु जी महाराज जी के मर जी बड़े सिखा ने इन्हां दीयां ढेरियां ला सुटियां ने। यह जगह के दर्शन करने होण तख्त श्री दमदमा साहब जी के पास गुरुसर महाराज बठिंडे नगर के बिल्कुल पास ये जगह है। दास उत्थे कई वारी गया है। गरीब नवाज महाराज जी के जीवन चरित्र नूं विचारदियां होई अनेक प्रकार की भुल चुक की छिमा अगे तो समझ देनी। लिख्या गणत ना छूटी है काची पीत ना सुध जिसे बजाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध रहयो बचावच तरे को ऊपर पयो प्रहार प्राण त्याग गमनयो पिसत सतगुर अगर निहार। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु गुरु नानक देव जी महाराज। धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के पावन सचखंड दरबार दियाँ हाजरियां भरदिया होया दल पंजन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह आप जी के जीवन बिरतान की लड़ीवार गुर इतिहास की विचार कथा हुई है। सतगुरु लड़ीवार गुर इतिहास की विचार कथा करद्या हुई अनेक प्रकार की भुल चुक की माफ़ी अगे तो समझ देनी। समूह संगत ने बहुत प्यार सत्कार नाल हाजरियां भरिया हाजरियां भरदियां सेवावां भेटावान हाजिर करद्या हुई अनेक प्रकार की भुल चुक की छिमा सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।